गुटका शराब मांस नहीं चढ़ाते। और ये भगवान ने जो मंदिर बना के दिया इसमें क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। उस मंदिर में अगर कोई शराब चढ़ाए तो बहुत बुरा मानते हैं और बहुत दंगा हो जाए, होता है ना ऐसा। और इस मंदिर में हम कुछ भी चढ़ा दें कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन आपने कभी सोचा कि भगवान को कितना खराब लगता होगा जिसने ये मूर्ति और ये मंदिर प्रदान किया। वैज्ञानिकों ने इस शरीर की कीमत 220 करोड़ रुपए आकी है। एक एक नस नाड़ी ऐसी है जिनकी फिटिंग संसार में कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। बताइए वो दे सकता है? मोती जैसे दांत गिफ्ट किए भगवान ने हमें, उन्हें खराब करने का अधिकार हमें नहीं है। किसी की दी हुई गिफ्ट अगर कोई खराब करता है तो उसके मन में बहुत बुरा लगता है, वो दोबारा कहो आपको वो दे भी ना। तो ऐसे परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, अगर वो कोई अंग देने में कमी करता तो आप केस तो भी कर सकते थे उस पर, कर सकते थे नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमें पूरा शरीर दिया, और आपकी इस दी हुई गिफ्ट को हम बहुत प्यार से संभालेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में ही उसका जीवन है और समाज के साथ बहुत प्यार से और बहुत सहयोग सद्भाव से रहने का जो परमात्मा ने हमको ये दिव्य गुण दिए हैं वो जानवर को नहीं दिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जानवर फिर भी प्यार से रह रहे और मनुष्य रह नहीं पा रहे। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एक बात है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने उसको 8 लाख का बिल बना के हाथ में पकड़ा दिया। कितने लाख का? 8 लाख का बिल बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो व्यक्ति रोने लगा उस बिल को देखते ही। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अगर बिल ज्यादा लग रहा है तो मैं इसकी कीमत कुछ कम कर देता हूं, पर आप प्लीज रोइए मत। फिर भी उसका बहुत गला भरा हुआ था, दुखी मन था, तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल ज्यादा है, 10 भी होता तो भी मैं पे कर देता, लेकिन मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि 70 साल तक उस प्रभु ने मेरे दिल को संभाला, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, और आपने केवल 2 घंटा मेरे दिल को संभाला और 8 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि शरीर की एक एक अंग की कितनी कीमत है। अगर किसी की एक किडनी फेल हो जाए पहले तो मैच नहीं करती, मैच हो तो भी उसको ट्रांसफर करने में कितना खर्चा लगता है सोच के देखिए। और उसकी दी हुई गिफ्ट को हम यूं ही बर्बाद करते हैं, बड़े भाग्यमान उस कंठ पाया, कौन गाता है, हम ही लोग गाते हैं। तो अब बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है तो हमारा फर्ज क्या है, ये अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि हमारा इस समाज में आने का उद्देश्य क्या है, हमारा इस समाज में रहने का उद्देश्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है। हम जब से इस दुनिया में आए हैं हम इस समाज का ले ही रहे हैं, देने के लायक हम कब बनेंगे। हम नारा लगवाते अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम ये सब करने के लायक कितना बने हैं, प्रश्न ये। हमने माँ बाप का भी कर्ज लिया है, समाज का भी लिया है, सरकार का भी लिया है, देश का भी कर्ज है, उसे चुकाने में हम कितना आगे हैं। मनुष्य एक पेड़ भी लगाता है तो भी चाहना करता है कि इससे हमें फल मिले। तो हमें भी इस समाज ने इस आज से देखा है, सरकार ने आज से देखा है, माँ बाप ने आज से देखा है, उनकी आज हम कितनी पूरी कर रहे हैं।